बिजनौर के मोहल्ला चौधरियान में एक युवक ने अपनी पत्नी को दराती से जगह जगह से काट डाला। इस घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। घायल महिला नगर के एक प्राइवेट अस्पताल में मौत के साथ संघर्ष कर रही है, जबकि हमलावर पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। मोहल्ला चौधरियान निवासी मुकुल अग्रवाल की पत्नी पूनम घरों में खाना बनाती है। उसके दो बच्चे हैं। पूनम का काम निपटाकर देर रात को घर लौटना मुकुल को अच्छा नहीं लगता था। वह उसके चरित्र पर शक करने लगा, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर तकरार होती रहती थी। रात भी उनके बीच इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। मोहल्ले वालों के मुताबिक पूनम अक्सर कहती थी कि उसे उसके बारे में गलतफहमी है। पति पत्नी के बीच सवेरे में फिर झगड़ा हुआ। इस दौरान मुकुल के सिर पर इस कदर जुनून सवार हुआ कि उसने दराती उठाई और पूनम पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिए। पूनम चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसे तरस नहीं आया। पड़ोसी दौड़ते हुए उसके घर में दाखिल हुए और किसी तरह से पूनम को बचाया। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। उसके हाथ, गले और शरीर के अन्य भागों पर गहरे गहरे घाव थे, जो पति की हैवानियत को बयान कर रहे थे। मरने की हालत को पहुंच चुकी पूनम को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बताया जाता है कि पत्नी को बुरी तरह घायल कर वो खुद थाने पहुंच गया, जबकि पुलिस का कहना है कि उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हिरासत में मौजूद मुकुल से जब पत्रकारों ने पूछा कि उसने ये नृशंसता भरा कदम क्यों उठाया, तो उसने बड़ी लापरवाही से कहा कि मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया है। पूनम, तुम्हारे पति का क्या नाम है? मुकुल। कहाँ की रहने वाली हो? ऋषिकेश रहते हैं। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हैं? ये मोहल्ला चौधरियान। क्या मामला हो गया था जी? कि ये कई दिन से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। नॉर्मल था वैसे, बस मैंने कल ये कहा था कि मेरे साथ नहीं रहेगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रहूंगी, तुम अलग रहो, मैं अलग रहूँ, करके खाना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं आ रही। बस इस पर सुबह उठ के मैं तो सो रही थी, वो पाठल लेके आया और पाठल से मुझ पर फायर कर दिया। मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, बहुत हिम्मत जुटाई, मगर अब नहीं, खुद को काटने से नहीं बचा पाई मैं। कितने वार किए तुम्हारे ऊपर? पता नहीं कितने करे, कोई गिनती नहीं है। तुम जान से मारना चाह रहा था? जान से मार रहा था, मेरी सारी गर्दन काट दी, आँख पे मार दिया, मेरी आँख अंधी हो गई, दिख नहीं रहा मुझे, मेरे सारे हाथ बचाव में कट गए और मेरा छोटा बच्चा उसके भी। चलो चलो, कोई नहीं, ठीक हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, कोई बात नहीं। और कोई भी था मारने में तुम्हारे साथ? नहीं, मारने में कोई नहीं था, बस तुम्हारे पति, बस वही था। अपने पत्नी को तुम्हारा दूसरे मर्द के साथ जाना चाह रही थी, अलग रहना चाह रही थी मुझसे। अच्छा, इसलिए उसको मार दिया? आज जो है एक कोतवाली शहर क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसकी हालत काफ़ी गंभीर है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पति को अरेस्ट कर लिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।